नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है सैनिक न्यूज चैनल में। सेवंथ पे कमीशन लेटेस्ट न्यूज टुडे, मिलिट्री सर्विस पे होगी दुगुनी। जी हाँ दोस्तों, हमारे जेसीओ जवानों के लिए काफी लेटेस्ट खबर निकल के आ रही है मिलिट्री सर्विस पे दुगुनी करने को लेकर। और आगे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सरकार की तरफ से इसके लिए कब तक आदेश जारी किए जा सकते हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ में जो घंटे का बटन है उसे भी जरूर दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। दोस्तों, इक्वल MSP को लेकर सेना में लगातार मांग उठती रही है, और उसी को लेकर एक लेटेस्ट खबर आपके लिए लेके आए हैं। मिलिट्री सर्विस पे बढ़ाने के लिए JCO एंड ORs के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे थे अब वे सफल हो गए हैं। दोस्तों, मिलिट्री सर्विस पे में विसंगति को लेकर सरकार द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया था, और इस कमेटी ने अपनी सिफारिश सरकार को सौंप दी है और JCO और ORs की मिलिट्री सर्विस पे को दुगुना करने की सिफारिश की है। दोस्तों, इसका फायदा हमारे रिटायर और सर्विंग सैनिकों को मिलेगा। दोस्तों, मिलिट्री सर्विस पे तीनों सेनाओं को दिया जाने वाला एक विशेष भत्ता है जो सिक्स्थ पे कमीशन व सेवंथ पे कमीशन के द्वारा सिफारिशों के बाद दिया गया था। और यह भत्ता इसीलिए विशेष है क्योंकि यह भत्ता बेसिक पे के साथ जुड़ जाता है, जिससे बेसिक पे में वृद्धि हो जाती है। दोस्तों, अब जो मिलिट्री सर्विस पे मिलती हैं वो इस प्रकार हैं। नॉन कॉम्बैट को एयरफोर्स में 3600 रुपये मिलती हैं, वहीं JCORs को 5200 रुपये और नर्सिंग ऑफिसर्स को 10800 रुपये, वहीं सर्विस ऑफिसर्स को 15500 रुपये। दोस्तों, इस तरह के हो रहे भेदभाव को लेकर लगातार सेना में मांग उठती रही है इक्वल MSP को लेकर, और इसके बाद में एक कमेटी का गठन किया गया था, और अभी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी है और उसमें मिलिट्री सर्विस पे को दुगुनी करने की सिफारिश की गई है, यानी कि 10500 रुपये JCO ORs की MSP को करने की सिफारिश की गई है। दोस्तों, तो ये काफ़ी अच्छी खबर निकल के आ रही है हमारे JCO ORs के लिए। और दोस्तों, मिलिट्री सर्विस पे बढ़ाने के आदेश को लेकर सैन्य सूत्रों के मुताबिक कमेटी की सिफारिशें मिल चुकी हैं, जिसे सैन्य प्रमुखों की ओर से भी मान लिया गया है। इसकी औपचारिक घोषणा जनवरी 2020 में की जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, फरवरी 2020 में सरकार अपना बजट भी पेश करने वाली है, ऐसे में JCO ORs को उस समय MSP को लेकर बड़ी घोषणा हो सकती है। तो ये थी एक लेटेस्ट अपडेट। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।